नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां। दोस्तों आपको मालूम है कि मैं यहां अमेरिका में हूं और लाल किले का जो कार्यक्रम था वो भारत के समय के हिसाब से 7 बजे शुरू होना था। उस समय यहां पर रात को 9:30 बजे थे, फिर भी मैंने प्रधानमंत्री के राजघाट में महात्मा गांधी के समाधि पर फूल अर्पण करते हुए और वहां पर उनके स्तुति करते हुए देखा। उसके बाद फिर वो लाल किले पे आए, लाल किले में उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण किया, सबका अभिवादन किया। उसके बाद में फिर लाल किले के रामपट से उन्होंने देश को एड्रेस किया। ये उनका 10वां देश को एड्रेस था लाल किले से। प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्या बोला ये सबको मालूम है, उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं कहीं पर भी हूं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ऐसी दो तिथियां हैं जिनको मैं कभी भी मिस नहीं करता। बचपन से जब गांव में था उस समय टीवी होते नहीं थे, लेकिन रेडियो में पूरा आंखों देखा प्रसारण आया करता था, उसको सुनते थे हम लोग। लेकिन आज मेरा दिल इसलिए दुख रहा है क्योंकि वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी खाली थी। उनको समय नहीं था कि वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो लाल किले में कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें वो आए। आप लोगों ने उनका देख लिया होगा, न्यूज में भी आया होगा, वो कुर्सी खाली है वो भी देख लिया होगा। उस कुर्सी को मैं दिखाना भी नहीं चाहता कि क्या है क्या नहीं है, वो एक अलग बात है, क्योंकि मैं पत्रकार नहीं। मैं अपने देश को प्यार करता हूं और देश के बारे में सोचता हूं और उसके बारे में बोलता हूं। मल्लिका अर्जुन खड़गे का जो बयान आया कि वो क्यों नहीं आए, उसके पीछे उन्होंने बोला कि उनकी आंख में दर्द था। फिर उनका यह बयान आया कि अगर मैं वहां जाता तो वहां से मैं निकल नहीं सकता था क्योंकि मेरे को 9:30 के आसपास में कांग्रेस मुख्यालय में और अपने घर में भी ध्वजारोहण करना था। क्यों नहीं निकल पाता था, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन था वहां पर, पहले प्राइम मिनिस्टर जाते, उसके बाद में रक्षा मंत्री जाते, फिर गृह मंत्री जाते, फिर लोकसभा स्पीकर जाते, फिर मेरे को जाने को मौका मिलता, इसलिए मैं नहीं गया। अरे भाई, भारत में 1947 से लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा एड्रेस करने की परंपरा चली आ रही है और हमेशा उसमें जो भी अपोजिशन के लीडर होते थे वो जाया करते थे। क्या यह पहली बार है कि आपको कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण करना है और 9:40 पे ही करना है? थोड़ा आगे कर लेते, झंडारोहण घर में झंडारोहण करने का या ऑफिस में झंडारोहण करने का कोई टाइम तो है नहीं, लेकिन ठीक है, कांग्रेस ने ऐसी परंपरा शुरू की है। कांग्रेस अपोजिशन में है, वो अपने अपोजिशन वालों को दुश्मन समझती है। मुझे खड़गे साहब से उम्मीद नहीं थी। खड़गे साहब लोकसभा में थे, खड़गे साहब विधानसभा में थे, खड़गे साहब राज्यसभा में हैं, काफी सीजन पॉलिटिशियंस हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन ऐसा लगता है कि खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बावजूद भी
सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सारे पर चलते हैं। कल परसों एक वीडियो आया था जिसमें वो कहीं पर किसी फंक्शन में थे जहां पर जब तक राहुल गांधी को कुर्सी का इंतजाम नहीं हुआ, राहुल गांधी नहीं बैठे तब तक वो बैठे नहीं। ऐसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 14 तारीख को ही, परसों मतलब कल बोलेंगे ना, 15 तारीख, हाँ चलो कल, कल जो रणदीप सुरजेवाला ने जो कैथल में बोला वो आपको सबको मालूम है कि जो बीजेपी को सपोर्ट करता है और बीजेपी को जो वोट देता है वो राक्षस है। अब ये खड़गे साहब स्किप कर रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से जो भाषण दिया जा रहा है उसको। इन्होंने जो संसद भवन नया बना है उसमें नहीं जाने की कसम खाई भी थी, वो वहां पर नहीं गए। अरे भाई हिंदुस्तान से क्यों हेट करते हो? अगर आपको बीजेपी से हेट है, बीजेपी ने आपको सत्ता से बाहर किया है, नरेंद्र मोदी ने सत्ता से बाहर किया है, तो नरेंद्र मोदी से हेट करो, बीजेपी से हेट करो, लेकिन देश से क्यों हेट करते हो? 15 अगस्त का जो फंक्शन लाल किले में होता है उसमें ऐसी परंपरा क्यों आप डालते हो? क्या मिलता है आपको? क्या इससे आपको ज्यादा वोट मिल जाएंगे? या फिर आपके जो आका कहीं बैठे हुए हैं उनको आप खुश करना चाहते हो कि कहीं पर भी अगर प्रधानमंत्री हैं तो वहां पर हमें दिखाई नहीं देना है? आप भारत की जनता का रोज अपमान करते हो और यह सोचते हो कि भारत की जनता आपको वोट देगी। कर्नाटका में आपको जो जीत मिली है वो कर्नाटका में बीजेपी के जो नेतृत्व है उसकी कमजोरी की वजह से मिली है। वहां पर जो मुस्लिम वोटर्स जेडीएस के थे वो जो शिफ्ट हुए थे उनकी वजह से मिली है। येदुरप्पा का भी शायद उसके पीछे कोई हाथ रहा होगा, मेरे को पक्का मालूम नहीं है, बट पक्की बात है वहां से भी कुछ हुआ होगा। ऐसे ही हिमाचल में जो आपको सत्ता मिली है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की अकर्मण्यता के कारण मिली है। उसमें नरेंद्र मोदी या बीजेपी की हार नहीं है, वहां के जो लोकल नेतृत्व है की हार है। आप ये सोचिए कि दिल्ली में जो बीजेपी का नेतृत्व है वो इतना लचर है कि वहां पर हमेशा अरविंद केजरीवाल जीतते हैं। अब आप क्या परंपरा स्थापित करना चाहते हो? मुझे कष्ट है इस बात का। मल्लिकार्जुन खड़गे, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर हैं, उसके बावजूद भी आपकी इस हरकत को हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। आप जितना भी चमचागिरी करनी है राहुल की कर लो, सोनिया की कर लो, लेकिन जब आप यहां से जाओगे, इस दुनिया से जब जा रहे होगे, उस समय सोचना कि आपने अपने छवि को कितना धूमिल किया है इन लोगों की चमचागिरी के चक्कर में, और देश में जो आपके प्रति थोड़ा सा भी प्यार या प्रेम रहा होगा उसका आपने कितना बड़ा सत्यानाश किया है। खैर ये मेरे को बहुत ज्यादा दुख दे रहा था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।